तू गया ठीक है मतलब बुलेट भी फक कर। मेरी का सुन, मेरी का थोड़ा सुन सुन तले हेलो बुलशिट, मेरी का सुन ओए, मेरी का। यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस आप सबकी डिमांड थी वीडियो के लिए, हमने डिमांड आपकी भी नहीं थी, हमारी ज्यादा थी देखने के लिए कि जो सर जिनका नाम है मुफ्ती तारिक मसूद, उनका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन देंगे वीडियो का, उनको जाके फॉलो करें। होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर वीडियो, ये बेसिकली गे लोगों के ऊपर पाकिस्तान में या इस्लाम में क्यों नहीं मानते, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे चर्चा, क्योंकि हमें लगता है इट्स नॉट रॉन्ग थिंग बट इस्लाम में ऐसा है, तो और पता चल जाएगा। क्योंकि हम जज नहीं करते किसी को, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, देख के दसूंगा। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. इसमें भी ऑफेंड होंगे। अल्लाह ताला ने इसमें दोबारा कौम लूत अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया, जो कल के भी आया था ना, कि लड़कों से बदफेली किया करते थे और लूत अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, उनकी समझ में नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया कि लूत अलैहिस्सलाम कैसे परेशान थे, इन्नहा उला यज़ईफी फला तफ़ज़हून, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुस्वा मत करो, अल्लाह से डरो। तो कौम जवाब में कहती है, हमने आपको मना नहीं किया था अपने घर में मेहमान को मत आने दें, आपने क्यों, जब आपको हमारी आदतों का पता था तो मेहमान को घर में दाखिल होने दिया क्यों? उन्होंने कहा मेरी कौम की बेटियाँ, इनसे निकाह करो। अल्लाह फरमाते अला आमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपकी उम्र की कसम, वो नशे में मदहोश थे, उन्हें लूत अलैहिस्सलाम की कसम पुरसी और उनकी जो काबिल तर्स हालत है उस पर ज़रा भी तर्स नहीं आ रहा था। इंसान जब नशे में, शहवत के नशे में होता है ना, और जब जुल्म पे उतरता है, तो फिर वो सामने वाले को नहीं देखता कि क्या है। फ़ाख़दतहुम सैहतु मुशरिकीन, सुबह हुई है और एक आवाज़ ने पकड़ा उनको, और हमने फ़जअलना आलियहा साफिलहा, ज़मीन के ऊपर के हिस्से को उलट के नीचे कर दिया। तो अल्लाह को लड़कों से बदफेली की बीमारी से बहुत शदीद नफरत है, इसलिए इसको अल्लाह ना करे कोई इस बीमारी में मुबतला है, फौरन छोड़ दे, और छोड़ने के बाद वो तमाम असबाब से दूर रहे जो इस बीमारी के करीब लेके जाते हैं, क्योंकि आदत खराब हो गई ना। देखें इंसान की नेचर ये है ही नहीं कि उसकी तबीयत लड़के की तरफ जाए, कितना ही खूबसूरत लड़का हो कभी किसी इंसान की तबीयत नहीं जाती, ये होता है जब आदत खराब हो जाए, किसी और ने खराब कर दी आदत, या वक्त पे निकाह नहीं हुआ, फोहश चीज़ें देख देख के शहवत भड़कती है, जब हलाल से पूरी नहीं होती तो हराम की तरफ जाता है, उससे मिजाज बिगड़ जाता है। फिर जैसे पहली दफ़ा शराब किसी के मुंह के करीब लेके जाओ, बदबू से वो तोड़ देगा बोतल, उसको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उसी गंद को खाने का आदी हो जाए तो फिर उसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो जिसको भी लड़कों से बदफेली की आदत पड़ गई हो, तो पहले तो किसी बुजुर्ग से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करे। हमारे यहाँ बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, बाज़ लोगों के यहाँ तो बुजुर्ग का सिलसिला ही ख़त्म हो गया, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्ग होते हैं, आप उनके पास जाएं, उनके पास बैठें, अपनी बीमारी बताएं, वो आपको अल्लाह अल्लाह सिखाएंगे, अल्लाह से उस मुर्दार की जगह अल्लाह की मोहब्बत डाल देंगे आपके दिल में, उनकी हिदायत पर अमल करें और नज़र की हिफाजत करें, जिससे कोई ऐसा इश्क हो गया उसके कभी करीब मत जाएँ, उसका कभी तसव्वुर मत करें। एक नौजवान ने मुझे बताया कि मुझे किसी लड़के से इश्क हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बार बार उसके पास जाके बातें करता, बुराई नहीं की लेकिन इश्क हो गया। कह रहे जब मुझे अल्लाह का खौफ पैदा हुआ ना, तो मैंने उससे बोला कि ये अब दोबारा मुझसे कभी मिलने के लिए नहीं आना। कह रहे हैं वो फिर आने लगा तो मैंने एक थप्पड़ लगा दिया उसकी। बज़ाहिर गैर अखलाकी हरकत है, मगर यहाँ थप्पड़ अल्लाह को बहुत पसंद है, ठीक है ना? नहीं, तमीज़ से मान नहीं रहे भाई, मैंने आपको बोल दिया कि आप मुझसे मुलाकात के लिए ना, ऐसे मौके पर थप्पड़ लगाना होता बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो अल्लाह के लिए, उस थप्पड़ की बाद में तलाफी कर लें किसी और तरीके से। अव्वल तो तलाफ़ी की ज़रूरत नहीं, जब बता दिया भाई नहीं मुलाकात करो, आपकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, मेरी सेहत ख़राब हो रही है, मेरा ईमान ख़राब हो रहा है, हमारा आपस की दोस्ती का ताल्लुक क्या है, ख़त्म। कू होते हैं वो तो चिपकते हैं, तो लगा दो एक खींच के उसको थप्पड़, बोले दफा हो यहाँ से, जब बोल दिया एक बात तो समझ में क्यों नहीं आ रही। तो ये बड़ा दिल गुर्दे का काम है, दिल पर आ रहे चलेंगे, मगर ये कुर्बानी अल्लाह के लिए, इस पर अल्लाह आपको दुनिया में भी बहुत नवाजेगा और आखिरत में तो नवाजेगा ही। अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, मेरे लिए कुर्बानी क्या देते हो, समझते हो कि नहीं समझते, कुर्बानी दो अल्लाह के लिए। उलमा कहते हैं लड़की का इश्क इतना ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल है, उस पर निकाह के ज़रिए पूरी हो सकती है ख्वाहिश, लड़के का इश्क ये तो कभी भी ख्वाहिश पूरी नहीं, ये तो नेचुरल ही नहीं है। आपको शहद खाने का दिल चाहता है, पैसे नहीं है जेब में, लेकिन दिल बहुत चाह रहा है, तो भाई पैसों का इंतज़ाम का मशवरा दिया जाएगा ना। लेकिन अगर गोबर खाने का दिल चाह रहा है, तो भाई शहद का तो दिल चाह रहा है, वो नेचर है,
मना इसलिए किया जाएगा जब पैसे नहीं है तो भाई सबर करो, नहीं देखो शहद की तरफ, यही होगा ना। लेकिन गोबर खाने का दिल चाह रहा है तो जितने भी पैसे हैं आपके भंगी और चमार होने की अलामत है, ये कभी भी हलाल नहीं हो, तो आप खुद गंदे हो गए हो। तो अल्लाह ने निकाह का रास्ता रखा है भाई, वक्त पे शादी हो जाए ना इंसान इन गंदगियों से बच जाता है, और शादी नहीं होती तो बस बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। नहीं गाइस, मैं देखो आप पहले बता, अपना ही आपका रिव्यू है सो मेरी बात सुनना ढंग से, ठीक है। जैसे बोला कि नेचुरल नहीं है, अगर वो नेचुरल नहीं होता वो होता ही नहीं, ठीक है। ये इट्स परफेक्टली नेचुरल, ठीक है। आप गे हो सकते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तेरा भी शायद सेम होगा, ठीक है। गे नाल ही प्यार होता है, नॉर्मल बंदे थोड़ी होता है मुंडे नाल प्यार होता है। देखो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर आपके रिलीजन में लिखा है तो ऑब्वियसली वो कुछ सोच समझ के लिखा, कि आप सब बहुत पुराना रिलीजन है, ठीक है, सोच समझ लिखा होगा। बट अब टेक्निकली सोच के देखो ना, मतलब अगर इस जमाने के अगर बंदा किसी बंदे के साथ अट्रैक्ट है, ठीक है, वो उसके रीजन ये नहीं उसकी शादी नहीं हुई, ओके, बंदा बचपन से होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ें नेचुरल होती हैं, इसको नहीं रोका जाता है। पहली बात बीमारी नहीं है, कभी ठीक नहीं होती, ये नेचुरल ही है, ओके, जेनेटिक्स करके होती है नाले। पता क्या है, मेरी पता क्या है, बंदे नु प्यार बंदा उही करता है जेड़ा दोने ही गे हुंदे, वो भी गे उही करता हुंदा आपसे। नहीं नहीं, मतलब मान ले जैसे तू गे है, ठीक है, ब्लडी फकर। दूसरे बंदे को कर सकता है बट वो बंदा नहीं करेगा, उसकी मर्जी है, क्रश उसमें आ जाता है। मुझे करने क्या पसंद है, उसको मैं पसंद नहीं हूँ तो मेरा क्रश में आ गया वो, सेम वही गल है, जेंडर डजंट मैटर, ओके, यूनिवर्सिटी इतना बोल रहा है तो देखो अगर इस्लाम पे लिखा है ऑब्वियसली तो आपकी तरह आप राइट है। हम आज के जमाने के बंदे हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि इट्स परफेक्ट नेचुरल। तो इंडिया ने इतना बड़ा इंडिया डेमोक्रेसी तो कमी रह गया वैसे, मतलब वो इतनी बड़ी कंट्री है, इसने इतना लीगल कर दिया, कैनेडा यूएस सब जगह इलीगल है, ये मतलब गे सबसे शादी करते हैं, सब वो चूते नहीं है, हम भी चूते नहीं इंडिया वाले, तो ये सब नेचुरल है। तो बट अगर आपके रिलीजन में अगर आपकी कंट्री में अलाउड नहीं है तो हम नहीं, हमारी हिम्मत नहीं है बोलने के लिए, आप नहीं करते बट हम थोड़े ज्यादा सही है, ओके। बाकी कमेंट सेक्शन देख, बोलने की वीडियो हम बोलेंगे आप रोक नहीं सकते, कमेंट्स में आप रोको, हम आपको नहीं रोक सकते, वैसे हम रोक सकते हैं टेक्निकली, मैं लीड कर सकता हूँ कमेंट अगर ज्यादा गंदा हुए। सो वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वैसे ही आप कमेंट करके रिप्लाई दोगे फिर। हाँ वो आज से वीडियो बना रहे हैं हम कमेंट पे, थोड़ी छटन लगे, अगर आप ढंग से कमेंट नहीं करोगे आपका रिप्लाई मिलेगा वीडियो के अंदर, गए गलत कमेंट किया तो, तो अगर करना है तो करो, नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम आएगा, ऐसी आ जाए क्या पता, रीज लाऊंगे नाले रीज, या गुस्सा आ रहा है पूरी रीज नाल। तो वीडियो खत्म करते हैं, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं गाइस, पीस आउट।